हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ओरियो आइसक्रीम चीज़केक की रेसिपी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से केक बनाना शुरू करते हैं। ये केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ओरियो बिस्किट्स। तो यहाँ पे दो पैकेट मैंने ले लिए हैं। सबसे पहले इन्हें हम डाल देंगे ग्राइंडर में। बड़ा सा ग्राइंडर जार ले लेंगे और सारे बिस्किट हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं चॉकलेट फ्लेवर के बिस्किट ले रही हूँ, आप चाहें तो वनीला फ्लेवर के बिस्किट भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे और इनका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसका एक फाइन पाउडर जो है वो तैयार कर लिया है। चलिए एक बोल ले लेंगे हम यहाँ पे, और जो पाउडर हमने तैयार किया है इसे हम इस बोल में डाल देंगे। तो पाउडर हमने तैयार कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक और छोटा सा बोल, एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ओरियो का पाउडर हम अलग निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पे चार बड़े चम्मच ले लिए हैं मैंने और इन्हें हम रख देंगे साइड में, जिन्हें हम डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब बचे हुए पाउडर में हम डालेंगे मेल्टेड बटर। तकरीबन 60 ग्राम के करीब बटर लिया है मैंने, उसे मेल्ट कर लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सर यहाँ पे तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। चलिए इसे भी हम रख देते हैं साइड में। अब दोबारा से हम ले लेंगे एक बड़ा सा बोल और उसमें हम ऐड करेंगे एक कप व्हिपिंग क्रीम। इसे हमें बीट कर लेना है, तो एक बीटर की हेल्प से मैं इसे बीट कर रही हूँ। आप चाहें तो हैंड ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से बीट कर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो बिल्कुल तैयार है, अच्छे से बीट हो गई है। तो इसे अब हम रख देंगे फ्रिज में, नहीं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसे फ्रिज में रख देते हैं और एक दूसरा बोल ले लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे क्रीम चीज़, तकरीबन 200 ग्राम के करीब है। इसे भी हमें बीट कर लेना है, हल्का सा इसे क्रश कर लेंगे इस तरह से, देन इसे हम बीट कर लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट इसे अच्छे से बीट कर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं क्रीम जो है वो सॉफ्ट हो गई है, फ्लफ़ी होना शुरू हो गई है। सो इस स्टेज पे अब हम इसमें ऐड करेंगे आइसिंग शुगर। तो चलिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच आइसिंग शुगर जो है वो ऐड कर दी है। इसे मिक्स कर लेंगे क्रीम के साथ और दोबारा से इसे हमें बीट कर लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए जल्दी से क्रीम को बीट कर लेते हैं। तो क्रीम को अच्छे से बीट कर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम ले लेंगे व्हिपिंग क्रीम जो हमने बीट करके रखी हुई थी फ्रिज में। इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम चीज़ जो अभी हमने बीट की। तो सारी क्रीम चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूंगी और साथ साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे ओरियो का पाउडर। जो 4 बड़े चम्मच हमने बचा के रखे थे अलग से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए इसे जल्दी से मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसे मिक्स कर लेने के बाद हमारा आइसक्रीम का बेस जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम ले लेंगे मोल्ड। तो यहाँ पे केक मोल्ड ले लिया है मैंने। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ओरियो और बटर का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है, वो पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे और उसे स्पून की हेल्प से या फिर स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से हमें सेट कर लेना है। हल्के हाथों से दबाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे सेट कर लेंगे हम। तो बाकी बचा हुआ मिक्सचर में डाल के इसे सेट कर लेती हूँ।
से बिल्कुल इवन इसे हमें स्प्रेड कर लेना है और हल्के हाथों से दबाते हुए इसे हम प्रेस कर लेंगे। तो बेस हमने रेडी कर लिया है केक का। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो आइसक्रीम बेस हमने रेडी किया है। तो थोड़ी थोड़ी क्रीम ऐड करके इसे हम सेट करते जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आइसक्रीम मैंने इसमें ऐड की है, बेस ऐड किया है। इसे हम स्पून की हेल्प से जल्दी से सेट कर लेंगे, इवन कर लेंगे हर तरफ। देन बाकी बची हुई आइसक्रीम बेस इसमें डाल देंगे इस तरह से, और उसे भी हम सेट कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे सारी क्रीम जो है वो सेट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे केक मोल्ड जो है वो पूरी तरह से भर गया है। सारी क्रीम को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसे हम रख देंगे फ्रिजर में तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और 6 से 7 घंटे के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम केक जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। अनमोल्ड करने के लिए एक प्लेट ले लेंगे हम। प्लेट पर मोल्ड को रखेंगे और इसे ईजीली रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मोल्ड जो है वो निकल गया और केक जो है बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है। बहुत ही यम्मी लग रहा है। चलिए इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर केक को मैंने डेकोरेट कर लिया है और एक साइड पर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ओरियो का पाउडर। और केक जो है वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो चलिए डेकोरेशन पूरा हो गया, केक हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। सी, लग रहा है ना यम्मी? तो इस रेसिपी को आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपका केक किस तरह का बनकर तैयार हुआ है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज शेयर कीजिएगा। चलिए आपको यहाँ पर एक पीस मैं कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है, इजीली कट हो रहा है और यकीन मानिए इसका टेस्ट भी लाजवाब है। जितना भी केक आप सर्व करें उसके बाद इसे जल्दी से जल्दी फ्रीजर में वापस रख दें, नहीं तो पूरा केक जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो इसे आप फ्रीजर में ही रखें। एंड सी, हमारा आइसक्रीम केक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।